Hello students, so today I will teach you about math of exercise 1.4. सही है, तो सिंह बोर्ड के हिसाब से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.4. सही है, तो आप लोगों को एक और बात मुझे बतानी है. सही है कि मैंने अब प्लेलिस्ट बना दी है. सही है, तो अगर आपको ढूंढने हो चैप्टर, अगर आप क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, सही है, तो क्लास 12 के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देखना है, मैथ क्लास 12 लिखा होगा, तो आप मैथ पढ़ सकते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 चैप्टर 2. जितना हिसाब से कराते जाऊंगा उसी के हिसाब से प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा. अभी हमारा चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं आपको. सही है, चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बना चुका हूं. अभी तक जितनी भी मैंने सेकंड ईयर की वीडियोस अपलोड करी है मैथ के हिसाब से, तो वो क्या है, प्लेलिस्ट में मौजूद है. और प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, सही है, तो वहां से जाके आपको लिंक पे क्लिक करके आप लोग जाके आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दी हैं. सही है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मैथ की क्लास 12 का. सही है, तो क्लास 12 का है, सॉरी, तो यहाँ एक 1 का इजाफा कर देते हैं. सही है, तो भाई देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही है, 1.4 एक्सरसाइज. सही है, इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे पूरी. तो भाई देखिए सवाल क्या है. सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिल जाए. सही है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा. तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लिमिट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द फॉलोइंग केसेस. सही है, तो भाई देखिए ये 3 क्वेश्चन है, सही है, आपके सामने हैं. सबसे पहले आपको करना क्या है, देखें पिछली वाली वीडियो 1.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लिमिट गिवन ना हो तो ऑन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन हम क्या करते हैं, लिमिट क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी, और किसके रिस्पेक्ट में पुट करते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल हो. सही है, तो यहाँ पर n नज़र आ रहा है तो मतलब n के रिस्पेक्ट में पुट होगा. सही है, तो बहुत मुश्किल कोई सवाल तो है ही नहीं, तो जल्दी से कर लेते हैं, आसान सवाल है. देखिए भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो बहुत ही आसान है, तो आपको बोर नहीं होगा कुछ भी, तो जल्दी जल्दी समझते रहे कि भाई जब मैंने आपको क्या बोला लिमिट गिवन ना हो तो हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, यही पुट करेंगे. तो भाई देखें ध्यान से देखें, अब मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ लिमिट किसके ऊपर, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन कहाँ की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, और फंक्शन किस तरफ जाएगा तो हमें देखना है. तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n. तो अब पुट कर दें, अप्लाई लिमिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी. सही है, तो यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट कर दीजिएगा. तो भाई देखें जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, सही है, जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से जहाँ मैंने लिमिट लिखी हुई है वो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी. सही है, तो यहाँ पर अब लिमिट, ये वाला फंक्शन तो गायब हो जाएगा, अब लिमिट n की जगह पुट कर दूंगा मैं इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी. सही है, तो आप लोगों को पता है कि इन्फिनिटी, एक और बात मैं आपको बता दूँ वो क्या है, तो पता क्या है कि अगर 1/0 हो, सही है, तो वो होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ वो होता है 0. ये बात क्लियर है. अब बात समझें कि इन्फिनिटी की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी. सही है, अगर कोई भी नंबर 1 है और उसके ऊपर इन्फिनिटी है, सही है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 है. सही है, आगे देखें, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, 0.1 से लेके 0.9 तक, मतलब -1 से 1 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर अगर इन्फिनिटी की पावर क्या लगाई हुई है, इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बन जाएगा 0. क्या बन जाएगा, 0. अब अगर 1 से बड़ा हुआ कोई नंबर, सपोज़ कि 2, 3, 4, 5, 6, 2 के ऊपर इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, पावर इन्फिनिटी, तो वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के. समझ में आ गया, क्लियर, ये 3 कंडीशन है. अगर 1, -1 और 1 के दरमियान में जो भी नंबर हो, 0.1, 0.2, 0.9 तक,
उनके ऊपर अगर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो किसके बराबर होंगे, ज़ीरो के। अगर वन के ऊपर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो किसके बराबर होगा, वन के। अगर वन से ऊपर मतलब बड़े नंबर 2, 3, 4, 5 जित चलते जाए, अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो होगा इन्फिनिटी। अब यहाँ देखें तो 2 1 से बड़ा नहीं है, तो आपका जवाब आ चुका होगा कि 2 तो 1 से बड़ा है। तो अब क्या हुआ कि 2 के ऊपर पावर इन्फिनिटी है, तो क्या आंसर आना चाहिए, इन्फिनिटी। समझ गया आप लोग, सही है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अब इन्फिनिटी को पुट करूँगा और यहाँ पर 1 / इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये आ गया हमारा आंसर, किस पे आया, देखें लिमिट जब n, सही है, n किसकी तरफ बढ़ रहा था, इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे जो फंक्शन है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ज़ीरो की तरफ, ये बताना चाह रहा था, हो गया। तो भाई दूसरा सवाल, कोई मुश्किल तो नहीं लगा होगा इंशाल्लाह, कोई आसानी था, सही। तो देखें भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पर देखें 3n - 1 3n लिमिट मालूम करनी है, तो लिमिट क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, लिख देते हैं। तो भाई देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल उतारना है, क्या उतारना है, सवाल, ये आपका सबसे पहला काम है। सवाल उतारने के बाद लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्यों, क्योंकि यहाँ हर जगह n है, an इक्वल टू, अब देखें यहाँ भी पुट करूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो भाई देखें अब करना क्या है वो देख समझें। देखिए भाई मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारा फंक्शन किसी भी तरीके से इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, है, तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फंक्शन इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई देखें थ्री, अगर हम यहाँ एन की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 3 × इन्फिनिटी और 3 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं 1 से बड़ा नंबर इन्फिनिटी पर जाएगा। ये -1 उसके बाद 3 की पावर इन्फिनिटी, तो अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था 1.3 एक्सरसाइज में, वो क्या था कि आपको क्या करना है कि जो भी बड़ा नंबर है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो भी बड़ा नंबर है उसके ऊपर पावर जो भी है उसको कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से हर स्टेप को पढ़ना है आपको, देख समझना है। तो भाई देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3n को इसके अंदर से कॉमन ले रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा सर 1 तो यहाँ पर 1 के पास तो 3n नहीं है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं और कैसा तरीका है वो आप देखें। 3n को समझे, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 3n की जगह क्या आ जाएगा, 3n बंदा 3n, कॉमन लेना तो आता ही होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, 1 यहाँ पर था 1 आ गया, डिवाइडेड बाय जो हमने कॉमन लिया है ना वो डिवाइड में ले जाएँ, क्या ले जाएंगे, जो भी आप कॉमन लेंगे वो डिवाइड में चले जाएगा और डिवाइड में वापस वही आ गया, ये चीज़ तो वैसी आ गई, समझे क्या। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात को, देखें जो भी आप कॉमन लेंगे, जो भी चीज़ इसमें है वो अगर आप कॉमन लें और दूसरे वाले के पास ना हो, जैसे कि इस जगह पर 3n इसके पास था लेकिन इसके पास नहीं था, कॉमन जब लेते हैं जब दोनों के पास हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती का कॉमन कहलाता है। देखें यहाँ पर नहीं था तो मैंने क्या करा, इस 3n को इसके साथ डिवाइड कर दिया, बस अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया रखें कि जो चीज़ नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड में ले जाएंगे, जिसको कॉमन लेंगे उसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, देखें 3n से 3n क्या हो गया, कैंसिल, सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट को अप्लाई करने जा रहा हूँ, सही है। तो मैं लिमिट को अप्लाई करने से पहले आपको एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ, देखें भाई। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या बचा, 1 - 1/3 n, आइए बस ये बचा है और कुछ तो नहीं बचा। अब ध्यान से देखिए कि अब फंक्शन इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, या अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा था, देखिए 3 की पावर n, मतलब यहाँ n की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 3 की पावर इन्फिनिटी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1 / इन्फिनिटी 0, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 1, सही है। करके देखते हैं समझ में कि अब समझ में आएगा, करवाऊँगा तो सही। अप्लाइंग लिमिट कर देते पहले, अप्लाइंग लिमिट, चलो भाई देखें। तो भाई लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि n की जगह क्या करो, इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 1 - 1/3 n, सही है। और 1 / 3 n किसके बराबर होगा, 3 n भी तो किसके बराबर होगा, 1 / 3 n इन्फिनिटी, और 1 / इन्फिनिटी 0। तो भाई देखें 1 - 0, अब देखें ये बात बताएं, अगर मैं 1 के साथ 0 ऐड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा ये, नहीं सर,
अगर मैं 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करूँ 0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। तो मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो आप सबका जवाब आ चुका होगा कि सर इसका आंसर तो आना चाहिए 1। तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिमिट है ये मतलब n किसकी तरफ बढ़ रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारा जो फंक्शन जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है 1 की तरफ। सही है, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है देखें, थोड़ा रफ कर देता हूँ, लेट मी सर्च द डस्टर एक मिनट। तो भाई देखें, तो भाई इसको रफ करते हैं पहले। तो भाई देखिए आप करना क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को करना है। देखिए भाई यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस करना क्या है कि फंक्शन जब, क्योंकि लिमिट तो गिवन नहीं है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे n की जगह, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। सबसे पहले आपका काम क्या है देखना है। तो देखें 5 की पावर इन्फिनिटी सही है, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ भी इन्फिनिटी है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप देखें ध्यान से। सबसे पहले सॉल्व ये आपको नहीं बोलना, उसके बाद आपको क्या करना है, सवाल को रिपीट करना है एक दफ़ा। 5n+5/5n+1 ये आ गया। अब देखें, अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an सही है। आगे देखें, अब यहाँ भी पुट कर दूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जब तक चलेगा जब तक मैं लिमिट अप्लाई ना कर दूँ। सही है, अब देखें क्या करना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो भी देखें 5 के ऊपर पावर क्या है n, अब हमें क्या है कि हमें ये n हटाना है पावर से, तो सही है। तो नीचे से भी 5n को कॉमन लें, ऊपर से भी 5n को कॉमन लें, और ये आपको बता चुका हूँ जो भी आप कॉमन लेंगे ना तो वो दूसरे के पास अगर ना हो तो वो डिवाइड में चले जाता है, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल है, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 5n को ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1, क्योंकि 5n 1 = 5n। अब यहाँ देखें प्लस, यहाँ पे क्या करूँगा, 5 / 5n, समझे कुछ बात को, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचा 5n को यहाँ से भी कॉमन ले लिया। सही है, 5n को यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बच गया 1 + 1/5n। अब आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही होगी, क्या आप बोल रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों है? सही है, तो भाई देखें ध्यान से, अब यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सही है, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वही चीज़ आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, 5n × 1 तो क्या आएगा, 5n आ गया, 5n × 1/5n। तो भाई देखिए एक बात याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे वाले से तो नहीं होगा ना? तो आप बोलेंगे नहीं सर 1 से होगा सर, तो कर दें। तो भाई देखें प्लस 5n / 5n, 5n से 5n कट जाएगा, समझे कुछ समझ में आई बात? सही है, तो वापस क्या आ जाएगा, 5n + 1 आ गया। समझ में आया क्या करा मैंने, तो मतलब कॉमन मैंने बिल्कुल सही लिया। तो आपको क्या करना है, मैंने आसान स्टेप क्या बताया कि आप ऐसा करें, जो भी कॉमन लेंगे वो उसी के साथ जिसके पास ना हो उसके साथ डिवाइड होगा, सिंपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो भाई देखिए ये 5n से ये 5n क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान से देखें, अब मैं इन n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो अब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड, आगे देखें। तो भाई देखें यहाँ पर, तो मैं देखें अब लिमिट पुट कर रहा हूँ ना, तो मैं लिमिट पुट करने से पहले आपको एक स्टेप और करा देता हूँ, सही है। एक स्टेप क्या करा देता हूँ, देखें अब जो बचा वो लिखवा देता हूँ, 1 + 5, देखें 5 ये आ गया अलग, और इसके साथ मैंने लिख दिया 1/5n / 1+1/5n, सही है, यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे दिखाता हूँ आपको, सही है। तो भाई देखें अब यहाँ समझते हैं इसको। तो भाई देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई लिमिट यहाँ लिख देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट। तो भाई देखें ये लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखें लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है कि n की जगह इन्फिनिटी पुट करो। तो भाई देखें अब देखें क्या होगा, तो 1 तो सिंपल आ गया, 1 क्या आ गया सिंपल, प्लस 5 यहाँ आ गया। अब देखें 1/5n है ना, तो देखें 1/5 / ∞, n की जगह क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। अब इधर देखें 1+1/5 / ∞। अब देखिए ये तो हो गया स्टेप,
अब आपको तो मैंने बता चुका हूँ, वन से बड़ा जो भी नंबर हो, 2, 3, 4, 5, 6, वो अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। आप लोग समझ गए? तो भाई देखें, 1 + 5 ये आ गया सेम। अब देखें, 5 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। भाई आगे देखते हैं, तो भाई देखें 1 + 1/5 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। सही है, ये स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। चलो भाई आगे देखते हैं, तो भाई 1/∞ मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, क्या है? 0। सही है, तो 1 + 5, 1/∞ 0, 1 + 1/∞ 0। देखिए 5 × 0 क्या होगा? 0। तो भाई देखिए, 1 के साथ मैं अगर 0 का ऐड करूँ तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा 1 ही लिख दूँ। और एक और बात, ये देखें, 1 के साथ मैं अगर 0 का ऐड करूँ, वही बात है, 1 के साथ 0 ऐड करूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो 1/1 तो 1 ही होता है। सही है, तो मतलब क्या पता चला? जब n अप्रोच कर रहा है, पहुँच रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। तो भाई आंसर है हमारा ये तो। चलो भाई, ये तो आसान था सारे सवाल, तो अब करते हैं थोड़े से और क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं देखते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म एन ए एन इज गिवन बाय। तो भाई देखिए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक सवाल है, 1 + 3/n, और यहाँ ब्रैकेट के ऊपर उसके ऊपर पावर है, क्या है? 5n। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए दो फॉर्मूले। क्या चाहिए? एक ही फॉर्मूला है, लेकिन दो करके क्यों लिखे हैं, वो स्कीम में वजह आपको समझाता हूँ। तो भाई देखें, सबसे पहले आपको समझना ये है, उसके बाद समझेंगे ये। तो देखें, यहाँ पर पहले फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब लिमिट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर। एन कहाँ हो? लिमिट कहाँ हो? इन्फिनिटी पर जा रही हो। कहाँ जा रही हो? इन्फिनिटी पर। जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या कुछ भी हो सकता है, एन की जगह कुछ भी हो सकता है भाई। अब देखें, गौर करें मेरे हर एक वर्ड पर जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। 1 + 1/n और इसकी पावर रिवर्स, समझे? देखिए भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट पे गौर करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है 1/n, सही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको रिवर्स करके बताओ कैसे लिखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ 1/n, मैं चाहता हूँ आप इसको उल्टा करके लिख दें। तो इसको जब घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये n ऊपर चले जाएगा, n/1 हो जाएगा। तो याद रखें, डिवाइड में 1 होता है, तो आप लिखते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम तो नहीं लिखते। तो इसका मतलब n हो जाएगा। तो सिंपल वही मैंने काम करा, n लिख दिया। अब ध्यान से फोकस करने के लिए और ज़्यादा समझाने के लिए मैंने एक और दफ़ा लिखा। अब मैंने क्या करा पता है? अब मैंने पिछली बार तो यहाँ 1 था, क्या था? 1। अब यहाँ इस जगह पर 5/n है, क्या है? 5/n। अब इसका रिवर्स मैं आपसे पूछूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/n है ना, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे इसका उलट करके दिखाओ, तो आप क्या करें, n को ऊपर, 5 को नीचे, तो n/5 लिखेंगे। तो यही इसकी पावर बन जाएगी, n/5। और ये अगर ये पूरा सेटअप आपका अगर इसके अंदर आ रहा है, तो आप वो किसके बराबर कर सकते हैं? e के बराबर। ये आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर गौर करेंगे, और इसकी जो पावर होगी वो होगी उलट, तो फिर बराबर होगा किसके? e के। समझ में आई बात? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और दफ़ा बता दूँ, जो दूसरा वाला, मतलब हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं a + b का, है तो समझते हैं हम, ये a होता है और ये b होता है, तो जो b है ना, b होगा ना, उसकी जो b होगा, जिसके अंदर लिखा होगा, उसकी जो पावर होगी है वो उलट होगी, रिवर्स होगी किसके? b के। अगर b लिखा हुआ है 2/n, तो पावर क्या होगी? n/2। सही है, उलट करके लिखेंगे पावर, और वो किसके बराबर होगी? n, अगर n किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर वो किसके बराबर होगी? e के। सही है, तो अब देखते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल में क्या है, तो आप लोग देखते हैं, 1 + 3/n, 1 आ गया, सही है, प्लस 3/n आ गया, मतलब 3/n, b पे गौर करना है, b वाले पे 3/n है, तो पावर क्या होनी चाहिए? n/3। रिवर्स करें ना, 3/n का रिवर्स क्या होगा? n/3। सही, और पावर होनी चाहिए थी n/3, जब भी तो हम इसको किसके बराबर ले सकते हैं? e के। अब यहाँ लिमिट भी मालूम करनी है, मतलब लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी। समझते हैं और गहराई में समझते हैं।
तो भाई देखें सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सही है। अब देखें सवाल को क्या करूँगा, वापस उतारूंगा, और ये किसके बराबर है, एन, ये तो जनरल टर्म की गिवन है ना, तो 3/n और ये आ गया 5n, सही है। अब देखें अब यहाँ मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट गिवन ना हो तो वो किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के। तो ये आ गया 1+3/n और इसकी पावर 5n, सही है। ये तो हो गया क्लियर भाई, ये इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आगे चलते हैं, देखिए भाई मैंने अभी क्या समझाया, 1+3/n है। अब हमें किसी भी तरीके से पावर होनी चाहिए n ओवर 3, क्या होनी चाहिए, n ओवर 3। अब करते हैं कैसे करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, मैं कैसे करने वाला हूँ, सही है। तो भाई देखें अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखें मैं यहाँ लिमिट यहाँ भी पुट करिएगा, मैंने यहाँ पुट करना भूल गया हूँ, तो यहाँ आपको ज़रूर लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो भाई देखें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1+3/n ये मैंने करा ब्रैकेट में, सही है। यहाँ देखें एक चीज़ कॉमन है, 3/n है तो n ओवर 3 होना चाहिए रिवर्स में, क्या होना चाहिए, n ओवर 3। यहाँ n है तो मैं यहाँ n लिख देता हूँ, उसके बाद बाहर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, 5। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जो बाहर का जो ब्रैकेट है वो इससे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, अगर मैं इसको ब्रैकेट को हटा दूँ तो ये 5 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, पावर से, किसकी पावर से, इसके ऊपर जो पावर है ये आपको पता होना चाहिए, वापस 5n आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए भाई अब हमें लाना है, क्या लाना है, 3, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड में क्या आना चाहिए, 3। तो याद रखिएगा मैथ में एक रूल है, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सूरत क्या होगी कि आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। ये अगर आपको चाहिए 3, सपोज करें आपको चाहिए 3 यहाँ पर, तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, समझे, क्योंकि ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, वापस आपका पुराने वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप अगर कोई अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो आपको ऐड भी करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, कंडीशन के हिसाब से, अगर उस पर एडिशन हो रही होगी तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, अगर कंडीशन में क्या डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आपने कोई डिवाइड में डाला है तो आप उसको उसी चीज़ को जो आपने डाली है डिवाइड में उसको आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 3 ऐड करा जो मतलब डिवाइड में लाया हूँ तो मुझे 3 को मल्टीप्लाई में भी लाना पड़ेगा, और किस में, अगर पावर में होगा तो पावर में मल्टीप्लाई में आएगा, अगर बेस में होगा तो बेस में मल्टीप्लाई में आएगा, इस बात का ख्याल रखना। या अभी मैंने किस में ऐड करा है, पावर में, तो पावर में ही मल्टीप्लाई होगा, पावर में डिवाइड करा है तो पावर में ही मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस में मल्टीप्लाई कर तो बेस में क्या करता मैं मल्टीप्लाई तो बेस में ही डिवाइड होता, समझ में आया। अब देखें n ओवर 3, क्योंकि अब तो पावर बिल्कुल n, ये पूरी जो चीज़ है ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम है, 1+5/n, 5/n को छोड़ दो क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 है 1 आ गया, अब यहाँ b तो कुछ भी हो सकता है, तो b देखें 3/n है और इसकी पावर उलट होनी चाहिए, मतलब n ओवर 3 है। तो ये जो पूरी जो हमारे पास सामने दिख रही है वो किसके बराबर होगी, e के, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, ये किसके बराबर होगी, e, और इसकी पावर 5 3 15, तो ये हमारा आ गया आंसर, सही है। तो उम्मीद है इसको तो आपको समझने में कोई मुश्किलात पैदा ही नहीं हुई होगी, सही है, कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल था, फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से हमने बैलेंस जो हमें करना था हमें ऐड करना था, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, तो हमने करा और हमने अपना आंसर निकाल लिया, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जल्दी से और सवाल सॉल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी से इसको भी करते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं कराऊंगा, सही है। तो भाई यहाँ पर देखें यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे, सही है, सवाल को क्या करेंगे, उतारेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर an के बराबर होगा, क्योंकि जनरल टर्म किसके बराबर होगी, an के, सही है। अब ध्यान से देखें यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ लिमिट को, और लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है तो क्या होगा कि इन्फिनिटी पुट करेंगे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखते जाएँ, बस देखना है आपको 1+1/n और यहाँ पावर क्या है, 6n। तो भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, क्यों, क्योंकि हमें तो देखना ही किसके नज़रिए से, फॉर्मूले के नज़रिए से देखना है, सही है। अब ध्यान से देखें फॉर्मूले के हिसाब से b जो हो लेकिन लिमिट टू इन्फिनिटी है, ये तो कंफर्म हो गया, सही है। 1/n
तो मतलब b क्या है 1/n, पावर क्या होनी चाहिए उलट मतलब n, तो 6 नहीं होना चाहिए। तो भाई देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा मैं क्या करता हूँ कि मैं पुट कर देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर क्या पुट करूँगा, चलो मैं यहाँ से ही कर देता हूँ। तो भाई देखें पावर देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1+1/n, और देखें ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा n और बाहर क्या लिख दूँगा 6। अब बोलेंगे आप सर ये क्यों किया गया है, तो भाई देखें 1+1/n और पावर उलट मतलब n ऊपर चले जाएगा, पावर बन गया। देखें भाई 1/n अगर मैं आपसे बोलूँ उसका उलट बताओ तो क्या होगा, n ही तो होगा, n ओवर 1, और 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना, बस बराबर नहीं होगा, मतलब इसको बताया था मैंने सही तरीका, क्या बताया मैंने 1/n ये वो क्या उल्टा उल्टा करेंगे मतलब उलट करेंगे रिवर्स करेंगे तो ये बराबर होगा n ओवर 1 और 1 डिवाइड में नहीं लिखते हैं, तो मतलब पावर बन गया। तो ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर है, e के। तो भाई देखें यहाँ मैं पुट कर देता हूँ e और इसके ऊपर पावर कितनी है 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कोई मुश्किल तो है ही नहीं, सब कुछ आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और ये बात मैं आपसे बताना भूल गया कि मैथ समझते वक्त कॉपी हाथ में होनी चाहिए, मैथ समझते वक्त कॉपी हाथ में होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आसान हो जाएगा सवालों को करना, सही है। अभी देखें ये वाला सवाल आगे देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। तो देख सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जनरल टर्म है तो यहाँ an लगा दिया और यहाँ बचा 1+1/n और ये बाकी सवाल को रिपीट कर दिया -7n, माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये पावर डिवाइड से कहाँ, ये मल्टीप्लाई में, ये सही है, इस पावर को हम वापस लेके जाएंगे, सही है। देखें अब यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है और जब लिमिट गिवन नहीं होती तो हम क्या पुट करते हैं इन्फिनिटी, आगे चलते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर देखें 1+1/n और यहाँ आ गया -7n। तो भाई एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब देखें वापस वही कंडीशन है 1/n मतलब 1/n का रिवर्स क्या होगा, पावर होनी चाहिए n मतलब 7 नहीं होना चाहिए, सही है। आगे देखते हैं। तो भाई देखें अब मैं क्या करूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है, ध्यान से देखते हैं मैंने क्या करने जा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ 1+1/n को मैं क्या करता हूँ पावर क्या लिखूँगा n और बाहर क्या लिखूँगा -7 लिख दिया। अब ध्यान से देखें ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, e के, तो पुट कर दूँ तो ये e और पावर क्या है -7 और माइनस में हम लिखते नहीं है तो हम क्या करेंगे 1/e और पावर 7, सही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपको, तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ कुछ मसला आया होगा बहुत से बच्चों को कि ये क्या है, सही है। देखें देखें हम लोग क्या है मैथ के अंदर पावर जो है वो नेगेटिव नहीं लिखते और नेगेटिव से हटाने के लिए हम 1/e7 लिख देते हैं। जैसे कि अगर लिखी हुई हो x^-1, सही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, और मैं अगर इसको वापस चला लेके आऊँ तो देखें x क्या है अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर नेगेटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव होती है तो पावर मल्टीप्लाई में जाके नेगेटिव, अगर पावर पॉजिटिव होती है तो मल्टीप्लाई में जाके नेगेटिव, उलट हो जाती है पावर, सही है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गए तो वापस नेगेटिव, बिल्कुल उलट कर दिया करें, क्या करा करें उलट, ये हमने क्या करा e-7 को हम उलट करेंगे तो 1 ही तो आएगा ऊपर, समझें। तो भाई देखिए इस तरीके से लिखते हैं सिंपल वर्ड्स, आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या है, जब भी पावर e- जैसे कि कोई भी लिखी हुई हो तो आप 1 पहले लिखेंगे उसके बाद डिवाइड में वही चीज़ लिख देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो बस यही था, अब थोड़ा सा एक और सवाल है जो छोटा सा है वो भी कर लेते हैं उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सही है, हम यह लास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एड हमें करना नहीं है, सही है। आगे देखें तो इसके अंदर बताना है शो दैट इफ़ m इज़ एन इंटेजर, अगर m क्या है यहाँ पर एक इंटेजर है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जो पूरी चीज़ है ये बराबर होनी चाहिए e^m के। तो ये आपको बता देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n उसके ऊपर पावर क्या है mn, अब हमें बताना है ये इसके बराबर किसकी होगी e^m। तो भाई बहुत ही आसान है, अभी तो करके आए इतने सारे क्वेश्चन, तो भाई देखें सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं देखें a^n और ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आपको पुट कर देना है, उसके बाद ये बराबर किसके होगा लिमिट
n tends to infinity, और यहाँ की जनरल टर्म 1 प्लस 1 ओवर n, और इसके ऊपर पावर आ गई एम एन, सही है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, तो लिमिट n tends to infinity है ये 1। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखें, 1 प्लस 1 ओवर n, और यहाँ पर मैं पावर रखूँगा n, और यहाँ बाहर रखूँगा m। अब देखें मैंने क्यों करा, फिर समझा देता हूँ एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखें 1 ओवर n है, b के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पावर मतलब n तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन अब हमें देखना b की, अब b क्या है, 1 ओवर n है, इसका रिवर्स करेंगे तो हमारी जो पावर है, इसके ऊपर जो पावर है वो n होनी चाहिए थी, और n करने के लिए हमें ये करना पड़ा और बाहर रख दिया m। और ये जो पूरी चीज़ है, ये अभी हम पढ़ के आए किसके बराबर है, e के, अगर ये चीज़ साबित हो गई तो e है, तो मतलब यहाँ पर आ गया e, और इसके ऊपर पावर क्या है m, तो ये आ गया, हम यहाँ लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखिएगा हैंस प्रूव्ड आइए। तो ये हमने कर दिए है सारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट, तो उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो एंड करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की, सही, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं सारी वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा अल्लाह हाफिज़।